नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल न्यू व्लॉग। होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो भाई फाइनली आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बैग के रिलेटेड एक वीडियो। सो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा बैग लिया जाए। नॉर्मली क्या होता है, जो भी राइडर एक नई बाइक लेता है तो सबसे पहले एक थॉट होता है कि राइड पे जाएंगे तो भाई लेके क्या जाएंगे। नॉर्मली अपने घरों में नॉर्मल वाले बैग्स होते हैं जो मतलब उसको बांधना और कैरी करके जाना काफी टफ रहता है। मार्केट में जैसे बहुत सारे बैग्स अवेलेबल है, जैसे टैंक बैग हो गया, सैडल बैग हो गया, टेल बैग हो गया, पैनियर्स हो गए, टॉप बॉक्स हो गया। सो ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, बट उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन लेना है वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए आपका। बहुत सारे राइडर ऐसा करते हैं कि उसमें बहुत सारा पैसा कमा देते हैं, फिर वो जब बाइक चेंज करने का टाइम होता है तो वो फिर फिट नहीं हो पाते। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा बैग लिया जाए, और मेरे जो 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो जो चीज़ देखी है, और मैंने स्टार्टिंग में कौन सा बैग इस्तेमाल किया, अभी मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, और मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ। तो चलो ये व्लॉग शुरू करते हैं और पूरा एंड तक देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे बाइक्स की बात करें तो पहले मेरे पास रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा बाइक थी 350, जो बुलेट का एकदम पहले इनिशियल लॉन्च के टाइम क्लासिक और इलेक्ट्रा 350 लॉन्च हुए थे। सो उस टाइम पे मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी, फिर डोमिनार लिया, अभी मैं चला रहा हूँ KTM 390 एडवेंचर। सो पहले बुलेट में मैंने जैसे बिगिनर्स गलती करते हैं वैसे ही मैंने भी गलतियाँ की है, कोई 100% नहीं होता है। सो उसमें मैं नॉर्मली जो बैग्स होते हैं ना वो वाले कैरी करता था, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी राइड्स के टाइम पे, जैसे लूज़ हो जाना, गिर जाना और काफ़ी चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने ली डोमिनार। सो डोमिनार पे जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, गार्डियन गियर्स करके एक ब्रांड है, उसका मैं एक टैंक बैग यूज़ करता था। सो वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मतलब छोटा सा भी था, कॉम्पैक्ट भी था, उसमें काफ़ी चीज़ें भी आ जाती थी मेरी उस टाइम पे। और उस टाइम में मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तो मेरे पास ये वायर्स और ये सब ज़्यादा नहीं रहता था, नॉर्मली अपना चार्जर हो गया और पावर बैंक हो गया। तो उस टाइम पे बैग जो है मैं नॉर्मल सा दूसरा जो अपना घर में होता है ना उस टाइप का यूज़ करता था, तो वो सब काफ़ी हेक्टिक रहते थे, जैसे वो अपना कॉलेज टाइप का बैग होता था ना तो वो मैं यूज़ करता था। सो वो बैग है ना वो सब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, वो उनकी ग्रिप इतनी नहीं रहती बाइक पे, जब आप बाइक चला रहे हो ना तो जैसे खड्डे में उछलेगी बाइक तो वो भी अनइवन हो जाएगा, एंड फिर वो आपका गिर सकता है या मिस बैलेंस हो सकता है, आपका ध्यान उस पर रहेगा, आप राइड कम करोगे और आपका ध्यान बैग पे ज़्यादा रहेगा। मेन 3 ब्रांड है, गार्डियन गियर्स है, राइनॉक्स है, एंड वायटेरा है, ये जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है। आप सारे राइडर्स के पास आपको ये ब्रांड्स के 3 ब्रांड के बैग मिलेंगे। बाकी मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड है, जैसा आप पैसा खर्च करोगे वैसा आपको बैग मिलेगा, उस तरह का आपको क्वालिटी वाला सब कुछ सारी चीज़ें। उस टाइम पे फर्स्ट मैंने गार्डियन गियर्स से स्टार्ट किया था, गार्डियन गियर्स था, उसके बाद फिर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वायटेरा ये बैग। सो ये वायटेरा का कुछ फ्लाई वाला मॉडल है, पीछे जो टेल बैग है ना वो राइनॉक्स वाला बैग है, वो अभी अंदर है, लेकिन अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा राइनॉक्स वाला जो टेल बैग है वो अभी मैं उज्जैन वाली राइड पे भी ले गया था, लास्ट जो मैंने राइड की है उसमें। सो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, फुल वाटरप्रूफ बैग था, और ऑल टाइम मैं यहाँ से निकला था तो पूरा बारिश के टाइम था। तो ये जो तीनों ब्रांड मैंने बताई ना, अब चलो आपको मैं ले चलता हूँ स्क्रीन पे। सो वहाँ पे आप देखो, मैं तीनों के मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे बैग्स है और किस तरह से आपको इसको फिगर आउट कर सकते हैं। एडवाइस, सो ये है कुछ गार्डियन गियर्स का वेबसाइट, और ये है राइनॉक्स का वेबसाइट, और ये है कुछ वायटेरा का वेबसाइट। सो कुछ इस तरह से वायटेरा में देखो अपनी बाइक भी लगी हुई है, उसमें अपना ही बैग लगा हुआ है। ऑलराइट, सो टैंक बैग्स की बात करें तो देखो इसमें बहुत सारे तरह के डिफरेंट टैंक बैग्स है, और वहाँ पे लीटर्स के साथ, जैसे 20 लीटर का है, 18 लीटर का है, तो ये सारे लीटर्स के साथ आपको वो यहाँ पूरा दिया हुआ होगा। और उसमें जैसे कि मैग्नेटिक होगा और नॉन मैग्नेटिक होगा ना, मतलब मैग्नेटिक होगा और स्ट्रैप वाला होगा, तो वो भी इसमें मेंशन किया होगा। जैसे ये देखो, ये जो इसमें साइड में टर्टल जैसे उसके पैर दिख रहे हैं ना ये वाले बैग के, तो वो मैग्नेटिक है, तो आप जैसे अगर आयरन बॉडी है ना, रॉयल एनफील्ड का बाइक है ना अगर आपके पास, तो उसमें वो ऐसे डायरेक्टली चिपक जाएगा, उसमें आपको स्ट्रैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे उसको उठाना है तो ये स्ट्रैप खाली पकड़ के इसको खींचो और वो बैग निकल आएगा, तो इतना ईजी रहता है और वो बहुत ही स्टेबल रहता है, मतलब ये सारे बैग स्टेबल ही रहते हैं। अब गार्डियन गियर्स में, राइनॉक्स में और वायटेरा में, ये तीनों में ये सारे बैग्स है ना जितने भी, ये वाटरप्रूफ आते हैं। जैसे गार्डियन गियर्स में ये वाले में आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का वाटरप्रूफ कवर आता है, सेम गोज विथ राइनॉक्स, राइनॉक्स में भी उसका कवर आता है अंदर रेन कवर, और वायटेरा में भी उसका रेन कवर अंदर इंक्लूडेड होता है। सो अब यहाँ पे वेबसाइट आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत तरह के ऑप्शन दिखेंगे विथ पैसों के साथ, तो जितना लीटर और आपका बजट, मतलब जिस तरह से आपका बजट और आपकी नीड हो ना उस हिसाब से आप इसमें से बैग ले सकते हो। अब मैंने जो स्टार्ट है ना वो डोमिनार में स्टार्ट जो है वो ये वाले बैग से किया था, ये 599 रुपीज़ का है, तब भी ये इतने का था, आज भी इतने का ही है। सो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और अच्छा था, इसमें देखो भी डोमिनार का ही फोटो उसमें लगाया हुआ है। सो आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ।
सो ये देखो, ये कुछ इस तरह से लगता था, ऐसे पूरा स्ट्रैप में घुमा के, और सारी बाइकों में ये लग जाता है आराम से, और इसमें फ़ोन रह सकता है, और आपका बिगिनिंग में आपका मतलब छोटा मोटा सारा सामान इसमें आ जाएगा, जैसे चार्जिंग वार्जिंग ये वो सारी चीज़ें, पैसा, वॉलेट, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ आप लेके कैरी करना चाहो ना, जैसे थोड़ा बड़ा छोटा मोटा नाश्ता भी है, तो सारा ही इस बैग में आ जाएगा। 599 रुपीज़ में आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर लॉन्ग टूरिंग करना है, अपना फिक्स है कि आपको अगर लॉन्ग टूरिंग ही करना है, बिगनर नहीं हुआ, तो फिर आप ये वाले सब बैग्स में जा सकते हो, जैसे ये 20 लीटर वाला है, फिर ये वाला है, नॉर्मली सब राइडर्स ये वाला भी कैरी करते हैं, 28 लीटर वाला है, नॉन मैग्नेटिक है, बट ये स्ट्रैप वाला है और 3200 रुपये का है, राइट। सो ये कुछ ऑप्शंस है। और इसमें गार्डन गियर्स में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कॉम्बो वाले भी इसमें ये ऑफर है सब, तो अगर आपको दोनों तरह के बैग लेने हैं ना, तो आप इसका आपका काम हो जाएगा इसमें। जैसे ये पीछे टेल बैग है और साथ में टैंक बैग है, दोनों मिला के इसका पैसा ज़्यादा होगा अगर सिंगल सिंगल इंडिविजुअल लोगे तो, और ये कॉम्बो में लोगे ना आप, तो सीधा आपको मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ ये मिल जाएगा, और अपने लीटर के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। सेम गोज विथ राइनॉक्स, राइनॉक्स में आप जैसे देखोगे ना, तो ये 21 लीटर का है, और राइनॉक्स की क्वालिटी मतलब गार्डियन गियर से देखो तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है राइनॉक्स की गार्डियन गियर से, और उसका लुक भी अच्छा आता है। जैसे ये वाली नेविगेटर टैंक में देखो ना, ये बहुत ही ट्रेंडी टैंक बैग है, 2200 रुपये में आपको मिल जाएगी, और इसमें मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक दोनों तरह के इसमें ऑप्शन होते हैं। अभी वेबसाइट में फिलहाल सोल्ड आउट दिखा रहा है, बट ये आपको आफ्टर मार्केट मतलब जो राइडिंग गियर्स की शॉप्स होती है ना उसमें, या फिर अमेज़न में कहीं पे भी मिल जाएगा, आप ढूंढोगे ना तो, राइट। और राइनॉक्स से आगे जाए तो वायरटेरा आता है। वायरटेरा की क्वालिटी मुझे राइनॉक्स से पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे बाकी लोगों का पता नहीं है, राइट। सो ये है कुछ, सो ये वाला बैग है मेरे पास राइनॉक्स का। इसमें लेकिन जैसे ये दो कंपनीज में कैसा है, मैग्नेटिक वाला जो ऑप्शन है ना वो सेम प्राइस में आ जाएगा, लेकिन वायरटेरा में जैसे ये दोनों बैग सेम टू सेम है, बट ये मेरा स्ट्रैप बेस है, क्योंकि मेरी जो टैंक है ना वो आयरन वाली नहीं है, मतलब लोहे की नहीं है, तो मतलब मैग्नेट उसमें वर्क नहीं करेगा, तो मैंने नॉन मैग्नेटिक स्ट्रैप बेस लिए, तो ये इसमें ये प्राइस दिखा रहा है, बट मैंने इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट में लिए, काफ़ी अच्छा खासा। एंड ये सेम चीज़, सेम बैग, सब कुछ सेम, बट ये मैग्नेटिक वाली है, तो उसका पैसा देखो बढ़ गया है, ये 2900 का है और ये 3400 का हो जाता है। और इसमें छोटी बैग देखो तो ये ऑक्सस है, राइट, ये ऑक्सस आपको मतलब इसको ये फ्लाई वाले से थोड़ा सा सस्ता भी है। सो ये कुछ है, और बहुत सारे मतलब अलग अलग बैग भी है, टेल बैग्स भी है, तो ये वायरटेरा के टेल बैग्स भी बहुत बढ़िया वाले हैं। मैं ये वाला जो टेल बैग है ना वो प्लान कर रहा हूँ, ये वायरटेरा का क्लो है, ये 72 लीटर का है, 72 लीटर मतलब ये एक ही बैग में मेरा पूरा लद्दाख वद्दाख का पूरा ट्रिप हो जाएगा, मतलब मुझे एक्स्ट्रा बैग लेना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये वाले अगर ये बैग लेंगे ना, ये जैसे वायरटेरा का ये है, ये 40 लीटर का है, तो ये 40 लीटर में इतना सामान नहीं आ पाएगा, 40 लीटर में आप करीब करीब 5-7 दिन की ट्रिप कर सकते हो, मैक्सिमम 10 दिन की ट्रिप कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसे कपड़े और क्या चीज़ें ले जाते हो, तो उसके पे पूरा डिपेंड करता है। तो ये वाला बैग 40 लीटर 5-7-10 दिन के लिए इनफ है, लेकिन लद्दाख वद्दाख की ट्रिप होती है ना, तो वो बहुत लंबी मतलब उसमें ज़्यादा कपड़े और ज़्यादा चीज़ें भी चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए ज़्यादा स्पेस, तो ये 40 लीटर है, उसके सामने ये क्लो है वो 72 लीटर है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और वो सेम चीज़ इसमें राइनॉक्स में भी है। सो राइनॉक्स में यहाँ पे लगेज का ऑप्शन है, और लगेज में है ये टेल बैग्स। सो ये राइनॉक्स का वेबसाइट लोड हो रहा है, और ये वाला बैग बहुत ट्रेंडी है, इसका ये वाला जो स्ट्रॉम प्रूफ है ना ये, बट ये भी सम सेम 40 लीटर वाले है, और इसमें उससे बड़ा ऑप्शन एक यही है 50 लीटर, राइनॉक्स में इससे बड़ा ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप राइनॉक्स में ज़्यादा मतलब ज़्यादा लीटर वाला बैग आप सोच रहे हो ना, तो इसमें नहीं है, बट उसकी जगह में अगर ये आप बैग लेने का सोच रहे हो ना 50 लीटर वाला, ये 6850 रुपये में, तो उससे बेटर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वायरटेरा का क्लो ले लो, 4300 में 72 लीटर मिलेगा, और 100% वाटरप्रूफ है, इसके अंदर बैग के अंदर वाटरप्रूफ उसका कवर भी है, और साथ में रेन कवर भी आएगा, और ये साइड वाले जो पॉकेट है ना उसमें आपके जेरी कैन वो सब भी आ जाएगा। सो ये बैग मुझे अभी तक के सारे बैगों में ये बैग मुझे सर्व मतलब सबसे बेस्ट लग रहा है, और ये पूरा ऐसे स्ट्रैप वाला और सब कुछ आ जाएगा, और बाइक में इजीली फिट भी हो जाएगा। जैसे देखो इसमें ये वाले फ़ोटो में जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे KTM ड्यूक है, तो उसमें लगाया हुआ है, राइट। और उसमें ऐसा ऑप्शन दिया होता है कि जैसे अगर इसके ऊपर आपको छोटा मोटा कुछ और सामान लगाना है ना, तो उसमें अलग से स्ट्रैप ऊपर दिए हुए,
तो आप ऐसा कोई बैग हो छोटा या कुछ भी तो ऊपर आप उस पर फिट कर सकते हो। सो ये बैग मुझे मतलब सही लग रहा है अभी तक में। और सेम टैंक बैग मतलब ये इसमें देखो तो इसमें भी है अवेलेबल, बट इसमें इसका क्वालिटी थोड़ा सा मुझे डाउन लग रहा है एज़ कम्पेयर टू राइनॉक्स एंड वायटेरा। राइट, सो ये है कुछ बैग्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये तीन वेबसाइट है, मतलब इसमें जाके आप मतलब अपना बिगनिंग हो या मतलब आप एडवांस राइडर हो तो आप दोनों ही लोग इसमें जाके कोई भी बैग आप अपने हिसाब से बजट और लीटर के हिसाब से आप फिल्टर आउट करके ले सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो ये था कुछ अपना बैग्स के रिलेटेड एक वीडियो। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एक और बैग है उसमें मैंने नहीं दिखाया, बट अभी देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक आता है सैडल बैग। तो सैडल बैग के प्रोस भी है कॉन्स भी है। सैडल बैग के लिए आपको एक और बाइक में खर्चा करवाना पड़ेगा, जो उसके लिए साइड में एक और फ्रेम आती है ना वो आपको लगवानी पड़ेगी। सो ये हो गया उसका कॉन। एंड प्रो की बात करते हैं तो प्रो में ऐसा है कि अगर आप अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड या फ्रेंड के साथ अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना तो आप वो उनको आसानी से बिठा के और फिर आराम से जा सकते हो, उनको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और आप अपना दोनों साइड आराम से सामान ले जा सकते हो। बट एक और चीज़ है कि अगर बाइक क्रैश होता है इन केस किसी भी हालत में, सो ये बैग सबसे पहले फट जाएंगे क्योंकि घिसेंगे यही सबसे पहले। अगर आपका बजट है तो इसमें आप एक और चीज़ ये करवा सकते हो कि आप इसमें लगवा सकते हो टॉप बॉक्स एंड पेनियर्स। सो टॉप बॉक्स पेनियर्स लगाने के बाद ना आपको पानी की चिंता ना क्रैश की चिंता कुछ भी नहीं, क्योंकि क्रैश होगा तो भी पेनियर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं, एल्यूमिनियम वाले जो आते हैं तो वो काफ़ी मतलब हद तक वो झेल लेते हैं सारा साथ। और ना आपको बारिश की चिंता है ना किसी भी चीज़ की, उसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है और इजी मतलब वो इजीली लगाते हैं और इजी वो निकल जाता है। फिर सेम विथ टॉप बॉक्स, अगर कहीं पे भी आप स्टे कर रहे हो तो इजीली उसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, वो लॉक खोलो निकाल के ले जाओ रूम पे, अपना सामान निकालो वापस भर के वापस लाके बाइक में लगा दो। सो नो बंजी नथिंग, नो कोई स्ट्रैप ब्रैप कुछ भी नहीं लगाना, सीधा लॉक कर देना। लेकिन वो होता है एक्सपेंसिव, वो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको पूरा सेटअप पेनियर्स और टॉप बॉक्स का पड़ेगा 35,000 के अराउंड, वो आपको पूरा सेटअप पड़ेगा। सो वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, सो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बट मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप वेबसाइट्स विजिट कीजिए, जो भी आपके बजट में आ रहा है तो इनिशियल स्टार्ट उससे कीजिए। जैसे जैसे आपको आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आता है या आप इसके लिए अलग से फंड जुड़ा पाते हैं, देन आप अपने हिसाब से ऑप्शंस देखिए एंड गो फॉर इट। ये था कुछ आज का अपना वीडियो एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो आपको एक ही चीज करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कुछ भी क्वेरी है कुछ भी क्वेश्चन है तो बिंदास कमेंट करो एंड अपना रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब करो, बहुत सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग की सपोर्ट है इसीलिए मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स और नए वीडियो ला रहा हूँ। सो ऐसे भी और भी टॉपिक्स है जो भी लाने वाला हूँ मैं, सब चेकलिस्ट में भी पूरा फ्लो में सब आने ही वाला है आपके लिए, काफी अवेयरनेस का वीडियो भी है, बहुत सारे वीडियो है। सो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं एंड मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वाले नए टॉपिक और नए ब्लॉग के साथ। सो राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय।